please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सर आपने इन्वेस्टिंग स्टाइल और इन्वेस्टिंग अप्रोच दोनों के बारे में ही बता दिया, लेकिन अगर मुझे कोई अच्छा शेयर चुनना है तो कौन से अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे मुझे उसे जज करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि ये अच्छा है मेरे लिए या बुरा? देखिए, शेयर का एनालिसिस करने के तीन तरीके हैं. एक तो है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस. ये जनरली इसकी दो की हम बातें बहुत बार सुनते हैं. तीसरा एक और है क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप किसी शेयर का एनालिसिस कर सकते हैं. तो जब आपने इन्वेस्टमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल बना ली, इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपने तय कर ली कि किस तरह से करना है, तो अब इन तीन बेसिस पर आपको शेयर का एनालिसिस करना चाहिए. तीनों बेसिस पे या तीनों में से एक किसी बेसिस पे? आप चाहें तो तीनों को मिला के करें बेस्ट है. okay. नहीं तो अलग अलग आपको कौन सा एनालिसिस सूट करता है. एक्चुअली शेयर खरीदना बेचना, शेयर का एनालिसिस करना चुनना कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है. नहीं. ये फॉर्मूला लगाया और इससे बाहर निकल कर आ गया ये शेयर अच्छा है, ये फॉर्मूला लगाया ये शेयर खराब है. तो ये बड़ा सब्जेक्टिव. आप देखते हैं ना, हर वक्त जब बाजार में ट्रेड होता है, एक कोई आदमी खरीद रहा है और उसी प्राइस पर उतने ही शेयर कोई आदमी बेच रहा है, तभी तो ट्रेड हो रहा है. इसका मतलब क्या है? दोनों की इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट अप्रोच अलग अलग है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पर अलग अलग राय है, इसीलिए तो ट्रेड हो रहा है. तो ये कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है. अब आपको कौन सा एनालिसिस सूट करता है? फर्ज करें सबसे पहला एनालिसिस है टेक्निकल एनालिसिस, वो मैं बताऊं. आपने देखा होगा ना, हमारे चैनल पर टेक्निकल एक्सपर्ट आते हैं, वो चार्ट देखकर अपनी राय देते हैं. वो क्या है? वो बेसिकली एक फ्यूचर को बताने की या आगे का प्राइस एक्शन बताने की एक कोशिश है. बेसिस क्या है? बेसिस है पुराने डेटा. अब तक शेयर ने कितना वॉल्यूम किया है और किस तरह का प्राइस एक्शन शेयर में हुआ है, कितना ऊपर नीचे हुआ है, कब हुआ है, कितने वॉल्यूम पर हुआ है, कितने समय में हुआ है, ये चार्ट पर पुराने डेटा को देखकर आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश टेक्निकल एक्सपर्ट करते हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि ये पोस्टमार्टम है, डायग्नोसिस नहीं है, क्योंकि पुराने डेटा के बेसिस पर आप आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ये अपनी एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की स्टाइल है, लोग ऐसा करते हैं, गलत नहीं. लेकिन हाँ, टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर उस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि शेयर के फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी अच्छी है या बुरी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम एक्शन देखा जाता है. तो ये ज्यादातर उन लोगों के लिए ठीक है जो ट्रेडर हैं, इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं. उन इन्वेस्टर के लिए ठीक है जो किसी शेयर में लंबे समय के लिए एंटर करना चाहते हैं, तो वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, चार्ट्स के बेसिस पर ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन से लेवल्स है जहां पर हमें ये शेयर लंबे समय के लिए खरीदना चाहिए. तो इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट के हिसाब से टेक्निकल चार्ट पर थोड़े संकेत मिलते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस मस्ट है, जरूरी है, वो आपको आना ही चाहिए ताकि आपको पता चले आपको कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है और किन प्राइस पॉइंट पर करना है. तो टेक्निकल एनालिसिस उन लोगों के लिए ठीक है. लेकिन सर, जो लोग डेब्यू कर रहे हैं मार्केट में, अगर कोई मेरे जैसा है जो पहली बार पैसा लगाने की सोच रहा है और मुझे चार्ट्स पढ़ने नहीं आते, तो फिर मेरे लिए नहीं बना है टेक्निकल एनालिसिस? ये बात सही है कि चार्ट्स पढ़ना, उसके बेसिस पर एनालिसिस करना, ये फिर अपने आप में एक आर्ट है. और लोग सालों साल जिंदगी भर प्रैक्टिस करते रहते हैं, कई बार उन्हें समझ में आता है और बड़े सही संकेत मिलते हैं और उसके बेसिस पर बड़ा पैसा बनता है और कई बार स्टॉप लॉसेस ट्रिगर भी होता है. लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में एक बात साफ है, आप खरीदेंगे एक पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर टारगेट के लिए खरीदेंगे, टारगेट रिवाइज होते रहेंगे, लेकिन आपके स्टॉप लॉसेस भी होने चाहिए. बिना स्टॉप लॉस टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे कभी कोई एक्शन नहीं होता. तो स्टॉप आपको मैक्सिमम कितना नुकसान किसी शेयर में करना है ये टेक्निकल चार्ट पर हमेशा दिखता है, तो वो होता ही. लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस है जो दूसरी स्टाइल है एनालिसिस करने की, वो थोड़ी सी अलग है. उसमें आप क्या करते हैं, आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शेयर की एक्चुअली वैल्यू क्या है. और वैल्यू पता लगाने का तरीका क्या है, या तो आप ये सोचें कि कंपनी जो आज कारोबार कर रही है, अगले 2, 3, 5, 10 साल में कंपनी का कारोबार कितना होगा. सपोज आज कंपनी की 1000 करोड़ की प्रॉफिट है, राइट, अगले क्वार्टर में 1200 होगी, अगले साल में 2000 करोड़ होगी, या जो भी रेट्स है. तो एक सिंपल चीज, मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि आज आपकी जेब में 100 रुपए हैं, या मैं आपको आज 100 रुपए देता हूं और मैं कहता हूं कि यार 100 रुपए आपको एक साल बाद भी 100 रुपए दूंगा, तो आज 100 रुपए की वैल्यू कौन सी ज्यादा है, आज जो आपके हाथ में है या एक साल बाद जो आपको मिलेंगे, आज जो आपके हाथ में, क्योंकि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू या आज की तारीख में मेरे जो हाथ में पैसे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है. तो कई बार क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में
जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात की कोशिश करते हैं कि अगले 2-3-5 साल तक कंपनी के कैश फ्लो कैसे होंगे और उस कैश फ्लो को आज की तारीख में उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पर हर एक शेयर की वैल्यू जो निकलती है, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, यानी कि जो कुछ भी कंपनी के पास एसेट्स हैं, जो कुछ भी लाइबिलिटीज हैं, उन सबको निकालकर नेट नेट कंपनी की वैल्यू क्या निकलती है, वो दूसरा तरीका है। कई बार लोग ये देखते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है साल दर साल। अगर डिविडेंड पॉलिसी अच्छी है, लगातार डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब है कि कंपनी कैश जनरेशन भी कर रही है, इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है। तो ये कुछ एक मुद्दे हैं जो एक शेयर को एनालाइज करने में काम आते हैं और इन सब मुद्दों को जो देखकर राय बनती है उन्हें हम कहते हैं कि फंडामेंटली ये शेयर अच्छा है या बुरा है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस हो गया किसी शेयर का। आप लोग जो एनालिस्ट से पूछते रहते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, वो यही डिटरमाइन करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है, अब मैं हर एक सवाल तो नहीं पूछ सकता, इसकी ईपीएस कितनी है, इसकी डिविडेंड हिस्ट्री कितनी है, कंपनी ने कब क्या किया। एक आम राय आप जब बना लेते हैं किसी शेयर की हिस्ट्री को देखकर, उसकी वैल्यू को देखकर, राइट, तो जो फंडामेंटल एक्सपर्ट आते हैं वो ये कहते हैं कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये है और इसके बेसिस पर हमें ये लगता है कि फ्यूचर में ये कुछ हो सकता है, ये शेयर इस तरह की ग्रोथ दिखा सकता है, उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और वो फिर उस लिहाज से यहाँ पर थोड़ा सा है ना, जैसा हम कह रहे हैं ना कि टेक्निकल एनालिसिस में पोस्टमार्टम होता है या डायग्नोसिस होता है, या फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश ज्यादा की जाती है कि कंपनी ऐसा कर सकती है, इतनी ग्रोथ दिखा सकती है, इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी ला सकती है और उसके बेसिस पर यह देखा जाता है कि क्या शेयर आज सस्ता है, अगर है तो फिर आप खरीदेंगे। और प्लस ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर तरीका है जज करने का कि कोई स्टॉक ठीक है या नहीं, उसके लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है जो कि तीसरी अप्रोच है। तीसरा एनालिसिस है, टेक्निकल आपने समझा, फंडामेंटल आपने समझा, क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है, ये बड़ा मुश्किल काम है। किसी को कोई चीज में क्वालिटी दिख सकती है, किसी को लगता है कि बड़ी खराब है। तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये जानने की कोशिश करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो कंपनी चला रहा है, जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर्स है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका इतिहास क्या है। फर्ज करें कि टाटा बिरलास आपको पता है जनरेशन से बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा एम्पायर तैयार किया है, उनके गवर्नेंस, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनियां खड़ी करने का प्रोजेक्शन, उसके प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने का ये जो इतिहास है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बेसिस पर आप एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रमोटर कितनी क्वालिटी के हैं। तो पहले तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उन्होंने अब तक के जो कामकाज किए वो। दूसरा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखी जाती है कि कोई मैनेजमेंट है या कोई प्रमोटर है, क्या उनका गवर्नेंस का रिकॉर्ड क्या, अब गवर्नेंस क्या है, क्या उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किए, क्या कोई रेगुलेटर्स के अब तक कोई एक्शन तो नहीं हुए, क्लीन चिट है या नहीं, इस तरह का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसको गवर्नेंस और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कहते हैं, तो वो देखा जाता है। तीसरी बात यह कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। अब बिजनेस मॉडल तो अच्छा है लेकिन क्या उस बिजनेस मॉडल में कुछ एंट्री बैरियर हैं? से सपोज आज आप कहें कि मैं एजुकेशन का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन आप कर रही हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई और भी कर सकता है, तो कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे मुझे लगे कि यार प्रज्ञा तो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही है, ये बिजनेस करना तो बड़ा ईजी है, कोई भी कर ले, तो वो बिजनेस मॉडल कैसा है, उसमें कॉम्पिटिशन कितना आ सकता है, उस बिजनेस मॉडल में अगले 2-3-5 साल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या है, ये कुछ एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो आपको देखने होते हैं। दूसरा ये कि उस वो इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है तो आपकी कंपनी कितना ग्रो कर लेगी, इंडस्ट्री की एवरेज से ज्यादा ग्रो भी कर ले, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा इंडस्ट्री नहीं चल रहा है, पूरा देश नहीं चल रहा तो आप ही की कंपनी चलती रहेगी, या तो फिर वैसा यूनिक बिजनेस होना चाहिए, यूनिक बिजनेस है तो बाजार को पसंद आएगा। तो ये एक और चीज है। और दूसरा ये कि कई बार हम कहते हैं ना कि कैसे पता करें कि ये कंपनी क्वालिटी कंपनी है या नहीं, आप उनके कस्टमर से फीडबैक ले लीजिए, कई बार आप उनके एम्प्लॉय से फीडबैक ले लीजिए, बैंकर से फीडबैक ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कंपनी की क्वालिटी क्या है, सैलरी टाइम पे दे रही है या नहीं, कस्टमर्स को पेमेंट टाइम से कर रही है या नहीं, जहां से वो माल खरीदते हैं, बैंक्स को टाइमली लोन्स का रिपेमेंट करते हैं या नहीं, उससे अंदाजा लग जाता। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिससे आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो प्रज्ञा, आप अब समझ गई कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको पता होनी चाहिए, ग्रोथ स्टॉक खरीदने या वैल्यू स्टॉक, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, टॉप डाउन या फिर बॉटम अप, और साथ ही इसके बाद आपको एनालिसिस करना है, टेक्निकल भी, फंडामेंटल भी और क्वालिटेटिव भी, और ये सब करके आप चुन पाएंगी एक बेहतरीन शेयर। एग्जैक्टली, और ये सब जानने के बावजूद अगर मुझे कोई डाउट्स होते हैं तो डेफिनेटली मैं वो आपके पास आकर क्लियर आउट करूंगी। डेफिनेटली, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।